ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि यदि स्वप्न में आपको मोर दिखाई दे, मोर या मोरनी या मोरपंख, उसका क्या कारण होता है और यदि वह दिखाई दे तो वह हमारे लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। तो इस विषय में मेरे पास कई बार कमेंट्स आ चुके हैं, तो इसीलिए मैंने इस विषय पर आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है, क्योंकि वीडियो में उसी के ऊपर तैयार करता हूँ ज़्यादातर, जो जिसके अनुभव मुझे हुए हों या जिस चीज़ की ज़्यादा लोग ज़्यादा भक्तों के साथ में उसके अनुभव हुए हों। परंतु ये अनुभव भी मेरे स्वयं के साथ हुआ है। मुझे स्वयं के साथ क्या हुआ, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो। मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि मैं जा रहा हूँ, तो जाते हुए रास्ते में मुझे एक मोरनी मिली और वह मोरनी मुझे काट रही है, बार बार काटने की कोशिश कर रही है। तो मैं इससे बचते हुए थोड़ा आगे निकला और जब आगे निकला तो आगे तीन मोरनियाँ थी। उन तीन मोरनियों ने जब मुझे देखा तो देखते सार उन्होंने मेरा आदर सत्कार किया, सम्मान किया, और वे तीनों मोरनी एक अप्सराओं की तरह मुझे दिख रही थी। और उन्होंने उस मोरनी से कहा, मोरनी ने उस मोरनी से कहा हिंदी में, जिस प्रकार हम बोल रहे हैं इस प्रकार उसे कहा कि तू किस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर रही है, तुझे पता भी क्या ये कौन है, ये बड़ा ही पावरफुल व्यक्ति है, बड़ा ही दिव्य व्यक्ति है और इसके पास बहुत कुछ बहुत सारी शक्तियां हैं। तो उस मोरनी ने भी, जो मुझे काट रही थी, उसने भी मेरा आदर सम्मान किया और उन्होंने मुझे वहाँ पर उपहार स्वरूप बहुत सारे हीरे मोती जवरात वगैरह दिए और मेरा बहुत सारा मान सम्मान किया, आसन पर बैठाया और मेरे चारों ओर वो खड़ी हो गई। तो ये मेरी जीवन की सत्य घटना जो मुझे स्वप्न के माध्यम से दिखाई दी। इसके अलावा भी मुझे मोरनी कई बार दिखाई दे जाती है स्वप्न के माध्यम से। तो अब ये क्यों दिखाई देती है, इसका कारण क्या था, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप विश्वास करें या ना करें, परंतु जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटती है वास्तव में उसे ही इन चीज़ों का पता होता है। दूसरे व्यक्ति को जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो इस पर विश्वास नहीं करते, उन्हें लग रहा होगा कि शिवनाथ ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे ही अनर्गल बातें बना रहा है, वीडियो बनाने के उद्देश्य से ये ऐसे ही डाल दिया गया होगा। परंतु ये सब चीज़ें फेक नहीं है, ये मेरे स्वयं के जीवन में घटी होने वाली घटनाएँ हैं जो मेरे जीवन में घटती हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मोरनी का अर्थ होता है कि कोई सिद्धि, कोई शक्ति जो हमारे पास है और उनमें से एक मोरनी काट रही थी, यानी कि एक शक्ति रुष्ट चल रही है, हमसे रुष्ट है, बहुत ज़्यादा रुष्ट है, तो उसको उन शक्तियों ने भी मना दिया, उसने उन तीन शक्तियों ने उसको भी मना दिया, उसको भी प्रसन्न कर दिया, यानी कि वे हमारी मेरी यानी कि चार शक्तियाँ दिखाई देती। मोरनी दिखने का मतलब होता है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति आने वाली है, वो दिव्य शक्ति आपके साथ है और या दिव्य शक्ति शीघ्र ही ईश्वर की अनुकंपा से आपके ऊपर पूर्ण रूप से अनुकंपा करने वाली है। तो मोरनी देखने का मतलब ये होता है। मोरपंख यदि आपको दिखाई दे रहा है और आप भक्ति लाइन पर आगे नहीं बढ़ रहे, आप कुछ बिजनेस वगैरह कुछ कर रहे, तो आपके लिए शुभ शुभ संदेश आपके लिए आने वाला है। अगर आप नौकरी पेशे में हैं, बिजनेस वगैरह में, तो आपके लिए शुभ संदेश है। और यदि आपको मोर दिखाई देता है, मोर आपके पास आपको दिखाई दे रहा है, आ रहा है या आपको नाचते हुए दिखाई दे रहा है, तो यानी कि आपके पास कोई देव शक्ति, लेडीज नहीं पुरुष शक्ति, देव शक्ति कोई आप पर प्रसन्न है, आप पर खुश है, तो इसका तात्पर्य ये होता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा। यदि फिर भी आपको कोई अलग चीज़ स्वप्न में दिखाई देती है तो आप कमेंट्स कीजिए। यदि मेरे जीवन में वह घटना घटी होगी तो मैं आपको उसके विषय में अवश्य बताऊंगा, और यदि नहीं भी घटी होगी तो भी मैं रिसर्च करके उस विषय में आपको अवश्य बताएंगे। आप कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको दिखाई देता है आप बुक कीजिए, हम आपको अवश्य बताएंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।